ये देखिए माशाल्लाह जी कबूतर आला नस्ल के कबूतर हैं जी भाई, इनको लेके जा रहे हैं, ये आप सेल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ ज़ही और आज हम आए हैं सियालकोट की मरीजों की सबसे बड़ी मार्केट में, और यहाँ पे गुजरांवाला दारोवाल शहरगढ़ और जो सराउंडिंग के शहर हैं वहाँ से लोग यहाँ पे मरीजें सेल करने के लिए आते हैं, तो आए आपको जो है ना मरीजों की मार्केट अपने शहर में बनाते हैं। मरीजों की सबसे बड़ी मार्केट जो सियालकोट में है स्टेडियम में, स्टेडियम बिल्कुल साथ है, जो स्टेडियम वाला पुल है और पुल के नीचे ये हमारी मंडी लगती है, तो उस तरफ हम जा रहे हैं, थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको प्रीतम की सियालकोट की सबसे बड़ी मार्केट जो कि गुजरांवाला और नारोवाल शकरगढ़ से भी लोग यहाँ पे परिंदे सेल करने के लिए आते हैं। ये भाई बता रहे हैं कि ये बॉर्डर से हैं, जो बॉर्डर की सरहद लगती है हमारी पाकिस्तान और इंडिया के बाहर से, क्योंकि बॉर्डर यहाँ पे सियालकोट में करीब ही है, तो बस आप बेचारे सारा दिन यहाँ पे काफ़ी इंतज़ार करेंगे और जो इनके नसीब की रोजी रोटी होगी फिर वो कमाएँगे और घरों को जाएँगे वापस। मुर्गा मेरा बड़ा माशाल्लाह ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, की रेट है 4000 रुपये देखो, ये जोड़ी है नहीं 4000 जरा दिखाओ, मुर्गा ये देखे जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त और असील मुर्गा है, इतना प्यारा इसका कलर है, ये देखो बस वो भाई जो है ना वो बाहर निकालने से डर रहे हैं कि कहीं ये आस ही कुदर की बात नहीं जाए, और ये नीचे ये काले रंग की जो है ना वो बतख है, और ये भी मेरे ख्याल बड़ी कम पाई जाती है पाकिस्तान में, और इसके अलावा इन्होंने साथ कबूतर रखे हुए हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म के कबूतर लग रहे हैं और नस्ली कबूतर हैं, ये देखें माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त इन्होंने रखे हुए हैं हमारे जी मुर्गे और मुर्गियां, और उसके बाद यहाँ पे आ जाए तो माशाल्लाह तोते और मुर्गियां, ये देखें जी ये है जी बतख के बच्चे, सारी मार्केट का आपको हल्का सा व्यू करवाते हैं, ज़्यादा यहाँ पे मुर्गियों की सेल होती है, देसी मुर्गियाँ हैं, मिस्री मुर्गियाँ और तरह तरह के परिंदे हैं, नस्ली और असील किस्म के जो हैं वो कबूतर भी हैं यहाँ पे मार्केट में, थोड़ा थोड़ा आपको सारा दिखाते हैं इसका व्यू, ये देखें जी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त छोटे छोटे बच्चे हैं मुर्गियों के और देसी मुर्गे हैं, आप इनको घर में भी पाल सकते हैं आराम और सुकून के साथ, माशाल्लाह ये देखें जी क्या बात है, और ये लोगों ने लिए छोटी साइज़ की मुर्गियां भी हैं, बड़ी साइज़ के और बड़ी भी मुर्गियां जोड़े देने वाली हैं, ये छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह जी कबूतर आला नस्ल के कबूतर हैं जी भाई, इनको लेके जा रहे हैं, ये आप सेल करेंगे, छोटे छोटे बतख के बच्चे हैं माशाल्लाह हैं, क्या बात है, ये देखिए ये देखिए, महंगाई में काफ़ी लोग इफ़ेक्ट हुए हैं इससे, तो ये जो परिंदा मार्केट है इसमें भी कुछ लोग इफ़ेक्ट हुएंगे, तो आपको उसमें भी किसी के देख के आप उसके रिव्यू वगैरह आपको सुनाते हैं। कड़ी जगह तो आए हो? नारोवाल तो कितनी देर तो आ रहे हो? 20 साल हो गए ने, तो बाबा को वेख जाता ਵਿਕਣਾ ਕੀ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਮੁਲਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪੱਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਨਾਬ ਪੁੱਛ ਕਲੋਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਵਾਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੇ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਰੋ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਡੇਲੀ? ਡੇਲੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਓ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ। ਓਕੇ ਜੀ ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਅੱਜ ਕਾ ਵੀਲੌਗ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਕਿਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।